आप देख रहे हैं दखल न्यूज। भोपाल स्थित दक्षिण पश्चिम विधानसभा में कई रहवासियों के वोटर लिस्ट में नाम ना होने से वोट नहीं डाल पाए। ये रहवासी स्मार्ट सिटी के कारण दूसरे इलाकों में शिफ्ट हो गए हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के चलते भोपाल के टीटी नगर के रहवासियों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए। अब आलम यह है कि वोटर लिस्ट में नाम न होने से रहवासी वोट नहीं डाल पाए। रहवासियों का कहना है कि उनके पूरे परिवार का नाम वोटर लिस्ट में है और उनका खुद का नाम नहीं होने से वो वोट नहीं डाल पा रहे हैं। इस मामले में अधिकारी भी चाहकर कुछ नहीं कर पा रहे हैं। स्मार्ट सिटी में क्या है कि यहाँ पर कुछ मकान तोड़ दिए गए हैं और हम लोगों को डोर टू डोर सर्वे का बोला गया था। हम जब जाके देखा तो मकान डिसमेंटल हो चुके थे, वहाँ अस्तित्व में नहीं थे, तो उन लोगों के नाम हमने कट दिए गए निर्वाचन आयोग के अनुसार। जब हमने लोगों से बात की तो उनका कहना है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के चलते उनके मकान यहाँ से शिफ्ट कर दिए गए और उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में ना होने से वो अपने वोटिंग के अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के दौरान सरकार द्वारा शिफ्ट किए गए मकानों की जानकारी या तो सही नहीं ली या सर्वे आपाधापी में किया गया था। इस वक्त हम मौजूद है दक्षिण पश्चिम विधानसभा के वार्ड क्रमांक 31 में, जहां के रहवासियों ने स्मार्ट सिटी के चलते इनको ट्रांसफ़र किया गया था, दूसरी जगह रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था और यहां ना इनका वोटर लिस्ट में ना यहां नाम आया है और ना हमारे पीछे देख सकते हैं आप कि यहां स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट चल रहा है। यहां प्रोजेक्ट के चलते यहां से जो रहवासी थे उनको ट्रांसफ़र कर दिया गया, यहां के जो मकान थे उनको तोड़ दिया गया और जहां दूसरी जगह लोग शिफ्ट हुए हैं वहां उन लोगों को भी वहां वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया। वो रहवासी हो रहे हैं परेशान, वो बोल रहे हैं कि हम कहां वोट डालें, किसको वोट डालें। आइए हम बात करते हैं कुछ रहवासी से, हमारे साथ रहवासी जुड़े हुए जिनका नाम ना यहाँ है और ना जहाँ वो गए हैं वहाँ जोड़ पाया है, तो वो उनकी वोटिंग क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा बताइए। मैं साहब पहले 16/9 में रहता, ये मेरा मकान था, टूट चुका है वो और अभी हम कोलार शिफ्ट हो गए अपने निजी मकान पर, लेकिन हम किसी कारणवश अपना नाम प्लस नहीं करवा पाए। अब मैं मतदाता का डालने के लिए आया हूँ ये अपने इस कार्ड को लेके, तो बोल रहे हैं आपका नाम कैंसिल हो चुका है यहाँ से और आज मैं अपना मत देना चाहता हूँ लेकिन नहीं दे पा रहा हूँ मैं। ये कुछ अधिकारी बैठे हैं यहाँ पर ये अपने निर्वाचन के, उनसे मैंने पूछा, वो कहते हैं कि नहीं आप अपना आपका नाम कैंसिल हो चुका है, आपने क्यों नहीं प्लस करवाया आपने, अब मैं क्या करूँ, मुझे अपना वोट डालना है, मैं कैसे डालूँ उस बताइए आप। तो गर्ग जी का बोलना है कि इन्होंने ये पहले यहाँ रहते थे और इन्होंने अपना नाम यहाँ से इनका नाम कैंसिल कर दिया गया, यहाँ इन्होंने देखा तो इनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, इनका वोटर लिस्ट से नाम कैंसिल कर दिया गया है। आप ये पूछ रहे हैं कि हम वोट कहाँ डालने जाएं। हमारे पास दूसरे भी रहवासी जुड़े हुए हैं जिनके घर में सभी लोगों का नाम आया सिर्फ इनका छोड़ करके। ऐसी कौन सी व्यवस्था चुनाव आयोग की बनाई गई है जिसमें सभी घर वालों का सभी का नाम है बस एक को छोड़ करके? ये हमारे साथ रहवासी, आप बताएं आपकी क्या परेशानी है। सर मेरा वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, अभी पीछे मेरा 11/23 मकान था वो टूट चुका है, सेकेंड स्टॉप पे अब लिया हमने, उस घर में सबका आया मेरा वर्ड नहीं आया बस, और यहाँ भी मेरा इसमें नाम ही नहीं है वोटर लिस्ट में वगैरह। अब वोट कहाँ डालें आप बताइए, हम किसको डालें वोट? तो वार्ड क्रमांक 31 में जो स्मार्ट सिटी के नाम पर लोगों का नाम वोटर लिस्ट से कैंसिल किए गए हैं, उनका रहवासियों का कहना है कि हम यहाँ से शिफ्ट हो गए तो हम वोट किनको डालें, हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, किसी का बिल्कुल पूरे परिवार का ही नाम नहीं है, किसी में एक का नाम है, पूरे परिवार के साथ पूरे परिवार का नाम है, एक का नाम नहीं है। तो अब सवाल ये चुनाव आयोग और सरकार पे भी उठता है कि ऐसी कौन सी व्यवस्था बनाई गई जिसके तहत लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं आया। हमारे साथ एक रहवासी और जुड़े हुए हैं जिनका भी परिवार में सबका नाम आया लेकिन उनका नाम नहीं जोड़ा गया है, आइए हम उनसे भी बात करते हैं क्या है परेशानी। मेरी फैमिली में सबका आया कार्ड, मेरा सब कैंसिल कर दिया, मतलब मेरा कार्ड कैंसिल कर दिया। आपके यहाँ पे कहाँ पे घर था? मेरे यहाँ पीछे रहता हूँ यहाँ पे। अच्छा, स्मार्ट सिटी में आपका भी घर है? हाँ मेरा तो भी आया था, हम लोग अभी हैं वहाँ पे, फिर भी मेरी पूरी फैमिली का आया पर्ची मेरी कैंसिल कर दी। अच्छा, घर होते हुए भी नाम कैंसिल कर दिया? हाँ। तो जिनका घर भी है उनका भी नाम कैंसिल कर दिया गया है, जो शिफ्ट हो गए हैं उनका भी नाम कैंसिल कर दिया गया है, कुछ लोगों के नाम जोड़े गए हैं, कुछ लोगों के नाम नहीं जोड़े गए हैं। चुनाव आयोग की तैयारियां तो भरपूर बताई जा रही है लेकिन सवाल एक तो उठता ही है कि जो जनता है, जो रहवासी हैं, जो वोटर हैं,
जो भारतीय जनता है वो वोट किसको डाले जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। कैमरामैन तरुण यादव के साथ सत्यम शर्मा, दखल न्यूज भोपाल। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।